आईपीएल 2022 का 41वां मैच दिल्ली कैपिटल्स ने 4 विकेट से जीत लिया है। ये मैच वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। टॉस दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने जीता और कोलकाता को बैटिंग करने बुलाया। एक बार फिर कोलकाता की ओपनिंग फेल हुई। ऑरन फिंच ने 3 और वेंकटेश अय्यर ने 6 रन बनाए। केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पारी को संभालते हुए 42 रन बनाए। इसके बाद नीतीश राणा और रिंकू सिंह ने मिलकर टीम के स्कोर को 146 तक पहुंचाया। रिंकू ने 16 बॉल पर 23 रन बनाए और राणा ने 34 बॉल पर 57 रन बनाए। इस पारी में नीतीश ने 3 चौके और 4 छक्के मारे। कोलकाता के पूर्व बॉलर कुलदीप यादव ने एक बार फिर अपनी पुरानी टीम की हालत पस्त कर दी। कुलदीप ने 3 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 4 विकेट झटके। उन्होंने श्रेयस अय्यर, बाबा इंद्रजीत, सुनील नरेन और आंद्रे रसल का शिकार किया। इतनी शानदार बॉलिंग और कुलदीप ट्रेंड ना हो, ऐसा होना नामुमकिन ही था। ट्विटर यूजर्स ने उनके नाम पर खूब कसीदे पढ़े। एक ने लिखा, केकेआर की बैट्समैन कुलदीप यादव से कह रहे होंगे कि हमारे खिलाफ तुम्हारा ऐसा बर्ताव क्यों है। हैशटैग नीतीश राणा। नीतीश ने लड़खड़ाती हुई कोलकाता की पारी को बखूबी संभाला। राणा ने पहले अपना विकेट बचाया और उसके बाद विकेट के चारों तरफ शॉट्स लगाए। अपनी 57 रन की पारी के साथ राणा ने न सिर्फ कोलकाता को 146 तक पहुंचाया बल्कि एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। क्रिकेट के आंकड़ों में दिलचस्पी रखने वाले कौस्तुभ ने बताया, नीतीश राणा किसी भी आईपीएल टीम के लिए टॉप 6 बल्लेबाजी पोजीशन पर 50+ स्कोर बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 पर कम से कम एक अर्धशतक बनाया है। हैशटैग आरन फिंच। कोलकाता के फैंस को आरन फिंच की वापसी से काफी उम्मीदें थी, लेकिन इस ऑस्ट्रेलियाई ओपनर के साथ भी टीम की ओपनिंग प्रॉब्लम्स बरकरार रही हैं। इस टीम ने ओपनर के रूप में सैम बिलिंग से लेकर वेंकटेश अय्यर से लेकर सुनील नरेन तक को ट्राई कर लिया है, लेकिन इन सभी ने अब तक निराश करने लायक बैटिंग की है। इस मैच में फिंच को चेतन सकरिया ने बोल्ड किया था। एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, आरन फिंच सोच रहे होंगे ये सब जाने दो, पनीर पर फोकस करो। हैशटैग उमेश यादव। उमेश यादव ने कोलकाता नाइट राइडर्स को एक बार फिर बेहतरीन शुरुआत दिलाई। यादव ने पहली ही बॉल पर पृथ्वी शॉ को चलता कर दिया। यादव ने अपने अगले स्पेल में डेविड वार्नर और ऋषभ पंत को आउट किया। अपने 4 ओवर में यादव ने सिर्फ 24 रन देकर 3 अहम विकेट निकाले। यादव ने आक्रामक बल्लेबाज डेविड वार्नर को आईपीएल में अब तक कुल 4 बार आउट किया है। उमेश अब आईपीएल में 3 बार पहली बॉल पर विकेट लेने वाले 4th बॉलर बने हैं। इस लिस्ट में उमेश के साथ लसित मलिंगा, अशोक डिंडा और प्रवीण कुमार शामिल हैं। उमेश की तारीफ में एक ट्वीट देखिए। एक बार फिर 3 विकेट लेने के बाद उमेश यादव कह रहे होंगे कि वानखेड़े का गुंडा हूं मैं। केकेआर अपना अगला मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 2 मई को खेलेगी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली अपने अगले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने होगी। ये मैच 1 मई को खेला जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है पुनीत ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।